नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने अब धीरे धीरे ही सही लेकिन तमाम देश पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल के बाद 3 एकदिवसीय और 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम 2003-04 में 5 मैचों की वनडे सीरीज खेलने यहाँ आई थी, जबकि साल भर पहले ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान दौरे पर आई थी लेकिन कराची में होटल के बाहर बम विस्फोट के चलते बगैर खेले ही लौट गई थी। लेकिन एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम साहस दिखाते हुए पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गई है। पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी की वजह से तमाम देशों ने वहां जाकर खेलने से मना कर दिया था। इस बार कीवी टीम के लिए बैटिंग कोच के रूप में श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज थिलन समरवीरा भी पाकिस्तान आए हैं। ये वही थिलन समरवीरा है जो पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले में बाल बाल बचे थे। थिलन की पाकिस्तान में बहुत बुरी यादें जुड़ी हैं। साल 2009 में समरवीरा उस श्रीलंकाई टीम का हिस्सा थे जिस पर लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान थिलन समरवीरा की जांघ पर गोली लगी थी और कई इंच गहरा घाव हो गया था। मार्च 2009 में जब वो पाकिस्तान में आतंकियों के घायल हुए थे उस समय वो शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 2 दोहरे शतक ठोके हुए थे। आतंकी हमले में गोली लगने के बाद उन्हें सर्जरी करानी पड़ी थी और इस वजह से वो 3 महीने तक मानसिक पीड़ा से भी जूझते रहे थे। हालांकि उन्होंने इसके बाद हार नहीं मानी और उसी साल जुलाई में पाकिस्तान के खिलाफ वापसी भी की थी। आपको बता दें, न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2003 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद टीम सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान नहीं आई। टॉम लेथन की अगुवाई में न्यूजीलैंड की टीम ने अपने नियमित कप्तान केन विलियमसन और कुछ अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के बिना यहां पहुंची है। इसमें से कुछ खिलाड़ी आईपीएल में भाग ले रहे हैं तो वहीं कुछ ने आराम का करने का फैसला किया है। आपको बता दें, सीरीज के दौरान रावलपिंडी में 3 वनडे और लाहौर में 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।